बात कितनी सही जान पड़ती है। बापूजी ने कहा है कि मेरे पास दुनिया को बताने के लिए कोई नई बात नहीं, सचमुच सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह गांधीवाद से उपजे कटीले शब्द नहीं है, ये तो मानवता के गुण हैं। इन्हें छोड़कर हम गांधी जी और उनके सुझाए रास्ते से ही दूर नहीं जाते, बल्कि मानवता से ही दूर चले जाते हैं। यह तो मानवता के भविष्य के प्रति आशंकित मन है जो गांधी दर्शन को लेकर शंकालु हो उठता है। पर क्या किसी को इस बात में भी संदेह होगा कि भारत के जिस स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई बापूजी ने की, उससे बड़ा जन आंदोलन पूरे विश्व ने कम से कम इस शताब्दी में तो नहीं देखा। बावजूद इसके हम जब अपनी छोटी छोटी आंखों से बापूजी का विराट व्यक्तित्व देख रहे होते हैं, तो उनके प्रति ही नहीं अपने युग के प्रति भी अन्याय कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक अवदान से बड़ा उनका सामाजिक अवदान था और उससे भी बड़ी उनकी आर्थिक दृष्टि थी। इस युग की तमाम ज्वलंत समस्याओं का समाधान उनके चिंतन में ढूंढा जा सकता है। दुनिया में जब तक हिंसा रहेगी, असत्य रहेगा, घृणा रहेगी, अन्याय रहेगा, तब तक महात्मा गांधी और उनके मूल्यों की जरूरत ही बनी रहेगी। बेशक महात्मा गांधी का नश्वर शरीर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस देश की हवा में, उसकी मिट्टी में, उसकी नदियों में उनकी आत्मा आज भी वास करती है। देश विदेश के करोड़ों दिलों में बापूजी आज भी जीवित हैं। Thank you.